Thank you.
इलाके में रामदयाल भाटी के आवास पर पहुंचे हैं। रामदयाल भाटी वो कांग्रेसी कार्यकर्ता है जिन्होंने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लगाकर कश्मीर तक यात्रा की थी, और वहीं जब यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा था कि वो उनके आवास पर आएंगे। एक कार्यकर्ता का मान बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री और दूसरे कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मुख्यमंत्री माता का थान इलाके में पहुंचे हैं। माता का थान इलाके पर उनके आवास पर यहां जो है बड़ी संख्या में मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो रखे हैं। उन लोगों से 1-to-1 कर रहे हैं सीएम, उन लोगों से बात कर रहे हैं, और एक आम कार्यकर्ता की इस तरीके से जो है हौसला अफजाई और दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ एक नई ऊर्जा का संचार जो है मुख्यमंत्री करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। एक एक कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, उनके अलावा जो यहाँ के वयोवृद्ध लोग हैं उनसे मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में उनसे पूछ रहे हैं, उनके बारे में उनसे पूछ रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी हो तो वो बताएं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहपत्नीक यहाँ पहुंचे हैं। खास बात यह है कि उनकी पत्नी जो है वो भी उनके साथ है, तो एक मुख्यमंत्री माता का थान इलाके में यहाँ पहुंचे हैं। खासतौर से दिव्यांग विश्वविद्यालय की घोषणा होने के बाद दिव्यांग विश्वविद्यालय की कई छात्राएं भी यहाँ पहुंची है, मुखबदीर ये छात्राएं हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जता रहे हैं कि वो यहाँ पहुंचे हैं, उन्हें जो है दिव्यांग विश्वविद्यालय दिया गया, उनके कॉलेज को जो है दिव्यांग विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो यहाँ जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भव्य स्वागत हुआ है मुख्यमंत्री का। आज दिन भर से मुख्यमंत्री जोधपुर में अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंचे, खासतौर से उम्मेद स्टेडियम में जो कार्यक्रम था एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, खासतौर से कांग्रेस के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला ये कार्यक्रम रहा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 30,000 लोगों की व्यवस्था की गई, लेकिन लोग 40,000 से अधिक पहुंचे, तो उम्मेद स्टेडियम की जो सीढ़ियां थी वहां तक जो है लोग बैठे थे। उसके अलावा बाहर भी जो है बड़ी स्क्रीनें लगाई गई थी, वहां लोग जो है बैठकर मुख्यमंत्री Thank you.